नमस्कार, कविता प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी, कलरफुल और झटपट बनने वाली एक रेसिपी बताऊंगी, जिसे आप एज ए सैलेड और एज ए स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। वो है हमारे कुकुम्बर रोल्स। ये मैं आपको दो तरह के बताऊंगी, एक वेजीज वाले और एक फ्रूट्स वाले। फ्रूट्स रोल के लिए हमें चाहिए, ये बारीक कटे हुए फ्रूट्स लिए हैं मैंने कुछ, ये है ग्रीन एप्पल, कीवी, अनार, एप्पल और थोड़ा सा चुकंदर ग्रेट करके लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं और इन्हीं फ्रूट्स के मैंने ये लंबी स्ट्रिप्स में जूलियंस काट लिए हैं। थोड़ा सा हंकर्ड, इसके लिए मैंने दही को छलनी में डालकर उसका पानी निकाल के लिया है। मेयोनीज, कटे हुए बादाम, नींबू का रस, पिसी हुई चीनी, नमक और थोड़े से अलसी के बीज, एक बड़े साइज का खीरा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी काली मिर्च। वेजी कुकुम्बर रोल्स के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी ग्रेटेड गाजर, थोड़ा सा हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम बारीक कटी हुई, रेड एंड येलो बेल पेपर और इन्हीं के मैंने ये लंबे स्ट्रिप्स जूलियंस में काट के ले लिए हैं। दो बड़े चम्मच हंकर्ड यानी कि गाढ़ा दही, थोड़ी सी कुटी हुई मूंगफली, थोड़ी सी हरी चटनी। मेरी हरी चटनी की रेसिपी का लिंक आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस, मेयोनीज, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च। सबसे पहले हम इस खीरे को लंबे पतले स्लाइसेस में काटेंगे। आपको ये मैं एक नॉर्मल चाकू से भी काट के दिखा देती हूँ, वैसे ये पिलर से बहुत अच्छे से आराम से कट जाएगा। आपको ये ऐसे इतने पतले स्लाइसेस में काटना है। एक कटोरी में 2 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस नींबू चीनी नमक वाले घोल को हम ये ब्रश की मदद से इस खीरे की स्ट्रिप्स के ऊपर लगा देंगे, अच्छे से ब्रश कर देंगे। आप इसे हाथ से या चम्मच से भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम ये काली मिर्च थोड़ी सी छिड़क देंगे। पहले मैं आपको वेजिटेबल्स वाले रोल्स की ड्रेसिंग बना के बताऊंगी। इसके लिए हम ये हंकर्ड में 1 से 1.5 टेबलस्पून मेयोनीज, थोड़ी सी हरी चटनी मिलाएंगे, थोड़ी सी मूंगफली और ये सब सब्जियां मिलाएंगे। अब डालेंगे चुटकी का जादू यानी कि थोड़ा सा नमक। इसी तरह फ्रूट्स वाले रोल्स की भी हम ड्रेसिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए यही मैंने 2 टेबलस्पून हंकर्ड लिया है, उसमें ये मेयोनीज मिलाएंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून और ये फ्रूट्स मिला देंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े फ्लेक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज और चुटकी का जादू, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब बनाते हैं अपने रोल्स। ये मैंने एक खीरे की स्ट्रिप ले ली है, इस पर अब हम ये फ्रूट्स वाली ड्रेसिंग अच्छे से फैला देंगे। हम इनमें ये जूलियंस लगाएंगे, इसे थोड़ा बाहर की तरफ आपको निकाल कर फिर लगाना है। इन्हें अब हम इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। हमारा ये फ्रूट्स वाला रोल रेडी हो गया है। इसी तरह से हम और फ्रूट के रोल बनाएंगे और ऐसे ही हम अपने वेजिटेबल वाले रोल्स भी रेडी कर लेते हैं।
इस पे हम ये वेजिटेबल वाली ड्रेसिंग फैलाएंगे। इसमें अपनी ये वेजीज की जूलियंस फैलाएंगे। रोल करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी के सारे रोल्स रेडी करेंगे। ये हमारे रोल्स ऑलरेडी इतने कलरफुल और सुंदर लग रहे हैं कि हमें इनकी गार्निशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, कविता प्लेट रेडी है कलरफुल डिलीशियस एंड हेल्दी कुकुम्बर रोल्स के साथ। नहीं जा रहा इतने सुंदर रोल्स को देखकर, तो मैं तो फटाफट से इसे टेस्ट करने लगी हूं। जवाब बेमिसाल, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मेरी सुंदर सुंदर और हेल्दी रेसिपीज और देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।